हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं और सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग वैकेंसीज को लेकर बात करेंगे सीजीएल 2023 के अंदर। पीएएसए की जो वैकेंसीज हैं उनके लेकर आरटीआई के रिप्लाईज आए हैं, और आपके रिजल्ट 2022 का जो टीयर 2 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है उसको लेकर भी हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सीजीएल 2023 के अंदर जो पीएएसए की वैकेंसीज थी उनको लेकर। अभी तक कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया था, हालांकि आरटीआई का रिप्लाई जो है यहाँ पर एक जो है आ चुका है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टोटल 191 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन पीएएसए कैडर इज टू बी फिल्ड थ्रू सीजीएलई 2023 इन वेस्ट बंगाल सर्कल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल सर्कल का यहाँ पर एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। अभी तक तो एक भी रिप्लाई आया ही नहीं था, और ना ही पीएएसए की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो रही थी। और अगर हम लोग उसकी डेट की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपको डेट भी मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 20/4/2023 का जो है यहाँ पर ये रिप्लाई है। ठीक है, थोड़ा सा बिजी थे इसलिए आप लोगों को जो है वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी दो दिनों से, अब रेगुलर आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि 1090 नंबर ऑफ वैकेंसी पीएएसए कैडर टू इज टू बी फिल्ड थ्रू सीजीएलई 2022, ये वेस्ट बंगाल का आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अभी नहीं बताई गई है, मतलब ये लिखा हुआ है आपका जो डिवीजन और यूनिट वाइज वैकेंसी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, और जो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, ये रिप्लाई आया था एक सीजीएल 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें कि पहले जो आपकी वैकेंसी थी एएसओ एंड सीएसएस की वो थी 440 वैकेंसी, ये भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिप्लाई मैंने आपको पहले दिखाया था, ये है आप लोगों का, ये देखिए 692 वैकेंसी टोटल हो गई है। कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर बताई गई है 342 आपकी यहाँ पर यूआर की हैं, और ये आप ईडब्ल्यूएस की आपकी 69 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 149 हैं, एससी की यहाँ पर आपकी 108 हैं, एसटी की जो है आपकी 24 है, और ये सारी की सारी जो है टेंटेटिव है, ये भी आप लोगों की जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी और थोड़ी सी डिक्रीज भी हो सकती है। ये भी आपको जो अब तक का जो डेटा है ना वो आपको यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सारा का सारा जो डेटा है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ। वैकेंसीज आपकी जो है बढ़ती रहेंगी, अभी आरटीआई के रिप्लाई आते रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूँगा। बात कर लेते हैं सीजीएल 2022 के मेंस के रिजल्ट को लेकर, कि आपका मेंस का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो आपके सामने सारी की सारी बातें मैंने क्लियर मेंशन कर दी हैं, जिसमें कि हाईली चांसेस है आपके रिजल्ट के आने के लास्ट अप्रैल के अंदर, यानी कि 28 अप्रैल से लेकर आप लोगों का जो है लास्ट अप्रैल तक कभी भी जो है आपका रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल सकता है, मतलब इसके चांसेस जो है ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर लास्ट अप्रैल में नहीं आया तो कब तक आएगा, तो मैक्स टू मैक्स आपका जो रिजल्ट है वो 7 मई तक आ जाएगा। ये आप लोग आज की डेट देख लीजिए, आज की डेट में जो एक्सपेक्टेशन है वो हाईली, आज ये जो डेट्स हैं दो डेट्स इनके बारे में जो है आज सारी की सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है, और अगर जैसे भी मुझे आरटीआई का रिप्लाई अभी तक तो आया नहीं है, मैंने वैसे लगा दिया आरटीआई की रिप्लाई, जैसे जल्दी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि सीजीएल 2022 का जो रिजल्ट है वो किस तरह से आपका जो है इस बार आने वाला है और कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। सबसे ज़्यादा आरटीआई के रिप्लाई आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, तो ट्रस्ट आप लोग दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ वैकेंसीज को लेकर भी, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पीएसए की जो वैकेंसी है 2023 के अंदर वो रिपोर्ट अब होने लगी है, और भी काफ़ी सारे रीजन्स में मैंने आरटीआई लगवा रखी है। तो जैसे ही रिप्लाई आते रहेंगे धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्क्लोज करता रहूँगा। ठीक है, और बाकी मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे डेटा को कॉपी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्रेडिट दिया करिए, जिससे कि मुझे भी ठीक लगेगा। बाकी मैं कोई भी एक्शन नहीं लेता हूँ, मैं ना तो मैं कोई भी क्लेम करता हूँ ना कुछ भी नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियोज़ को कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग वहाँ पर अपने मेरे जो भी डेटा मैं आपको शेयर करता हूँ उस चीज़ को आप लोग आराम से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और भी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुझसे, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों के भी मॉक टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं भी चीज़ों को जो है थोड़ी सी और फिल्टर करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मेंशन करता रहूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।